देखिए धारा माप, धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम धारा मापी पढ़ रहे हैं। धारा मापी हमारे पास क्या हो गया, धारा मापी वह है युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता चलता। धारा मापी वह युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसको मैं गैल्वेनोमीटर बोलता हूँ, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखिए धारा मापी में क्या होता है, दो चुंबक होते हैं। ये आपके पास ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल कर लीजिए, ये साउथ पोल कर लीजिए। इस चुंबक के बीच में यहाँ पर एक क्वाइल होती है, ये क्वाइल हो गई ऐसा। इस क्वाइल के बीच में मैं क्या करता हूँ, एक कोर लगा देता हूँ मैग्नेट का। ठीक, ये क्वाइल क्या होती है, इस चुंबकीय क्षेत्र में लटकी रहती है। ठीक, ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर लटकी रहती है। यहाँ पर ऐसा ऐसा स्प्रिंग होता है, ये चली गई और यहाँ पर ऐसे होते चली गई। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा ऐसा ले लेता हूँ, ये ऐसे चली जाती है। यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा रहता है लाइक दिस, यहाँ पर इसकी मार्किंग होती है ऐसा। धारा ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास क्या, अगर हम कुंडली को देखें तो ये हो जाता है संकेतक, संकेतक। ये आपके पास कुंडली क्वाइल जिसको बोलते हैं, ये आपके पास कोर हो गया। ठीक, ये चुंबक हो गया। ठीक है, जब इस धारा मापी में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली ऐसे घूम जाती है और इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगने लगता है। जब कुंडली में बल में धारा प्रवाहित होती है तो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एन आई ए बी ठीक साइन 90 के और इसमें आता है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा, मान लो इसमें धारा ऐसे आ रही है तो ऐसा 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 धारा बह के ऐसे आती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी दर्पण हो गया। इसमें धारा नीचे आ रही है, ये कुंडली का ये वाला सिरा इस साइड जाएगा
ये वाला तेरा अंदर जाएगा और कुंडली कैसी हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी, और जैसे ही घूमेगी तो इसके साथ लगा हुआ इंडिकेटर भी घूमेगा और ये डिफ्लेक्शन देगा और हमें पता लग जाएगा कि परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही। एक बार और देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, करंट नीचे बह रहा है इसमें ऐसा, तो इस साइड भी बल लगेगा, इस साइड ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बल लगेगा, कुंडली घूम जाएगी, कुंडली घूमेगी तो इंडिकेटर ऐसे ऐसे घूमेगा और पता लग जाएगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऊपर और नीचे कोई बल नहीं, बल का मान शून्य हो जाता है, इसलिए कोई बल आघूर्ण नहीं लगता, लेकिन इधर और इधर बल लगता है। लगने वाले बल आघूर्ण का मान यहाँ पर कितना आ जाता है, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। किंतु कुंडली का ठीक, कुंडली के टॉर्शन के कारण, टॉर्शन के कारण बल आघूर्ण टाउ समानुपाती फाई। अब जितना ज्यादा ये कुंडली यहां पर मान लो घूम गई, तो इसका ये वायर का अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला बल आघूर्ण कैसा होगा, कितना होगा, जो कुंडली को वापस लाने के लिए काम करेगा वो टाउ समानुपाती फाई। फाई क्या है हमारे पास, विक्षेपण कोण है, विक्षेपण कोण, ठीक। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, सी इंटू फाई, जहां सी बराबर टॉर्शनल गुणांक के मान के बराबर होता है, ठीक है। जब ये ऐसा आएगा तो ये इसको वापस ला जाएगा, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे, ये लिखेंगे, इसके आगे वाली कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इन है ना। तो जब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, संतुलन अवस्था में, ठीक है, साम्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं, साम्य अवस्था में दोनों बल आघूर्ण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी एन आई ए बी बराबर सी वाई, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम बोल देते हैं फेरों की संख्या, ठीक, आई धारा, ए कुंडली का क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इतनी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, I इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई। अब देखिए टी टॉर्शनल वायर का टॉर्शनल गुणांक है, एन फेरों की संख्या है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। ये पूरी की पूरी राशि कैसी हो जाएगी, अचर हो जाएगी, अचर। इसलिए I इक्वल टू कितना आ जाएगा, के फाई, मैंने इसको यहाँ पर मान लिया है, इसलिए I समानुपाती फाई। इसका मतलब क्या हो गया, प्रवाहित धारा विक्षेपण के समानु पाती है, यही धारा मापी का
सिद्धांत है, तो ये धारा मापी का क्या हो गया, सिद्धांत हो जाता है। अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसमें विक्षेपण आता है, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, धारा मापी का सिद्धांत बोल देता हूँ। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो धारा मापी से ही हमारे पास क्या बनता है, अमीटर और वोल्ट मीटर बनता है। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए ये मैं अगर यहाँ पर लेके चलूँ अमीटर, देखिए क्या है, वह है युक्ति है इसके द्वारा जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति का पता लगाकर मापा जाता, अर्थात अमीटर धारा को मापता। ठीक, तो धारा मापी क्या करता है, ये परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाकर मापा जाता है इसके द्वारा, अर्थात धारा मापी क्या करता है, धारा मापी कह रहे अमीटर क्या करता है, यह धारा को नापता है। ठीक है, तो अमीटर क्या करता है, धारा को मापने में उपयोग होता है। तो मीटर वह युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ में धारा को मापा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, धारा मापी को एमीटर में बदल सकते हैं। ठीक, मैंने अभी बताया धारा मापी क्या करता है, परिपथ पे धारा की उपस्थिति का पता लगा जाता है, और जब हम धारा मापी को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अमीटर क्या करने लगता है, धारा को मापने लगता है।